शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हम्माम मोहल्ले में रहने वाली मुस्कान ने आज एसपी से आवेदन कर गुहार लगाई है। युवती ने बताया कि उसके फोन पर उसकी भाभी के भाई का फोन आया और उसे देख लेने की धमकी दी, वहीं उठाने की धमकी भी दी डाली। जानकारी के अनुसार मुस्कान पुत्री रफीक खान निवासी हम्माम मोहल्ला थाना कोतवाली ने एसपी को आवेदन दिया और बताया कि वह अपने घर पर थी, तभी उसके भाभी के भाई मोनू खान का फोन आया। वहीं उसकी भाभी तस्लीम उर्फ जूली खान उसके साथ थी। मोनू खान मुझसे अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगा और कहने लगा कि तेरा बाप और भाई कहाँ है। इस बात पर जब युवती ने कहा कि मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, तो युवक ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और वहीं देख लेने की बात उठा लेने की धमकी दे डाली, जिसके बाद युवती ने कोतवाली में 10 शिकायत कराई है, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते आज एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या समस्या लेके एसपी को आए हो? जी, हमने कम्प्लेन की थी, हमारे भाई के ससुराल वाले हैं जो कि धमकी दे रहे हैं, जो भाभी हैं, भाभी के भैया हैं मोनू और भाभी हैं जूली, तो वो दोनों कॉल लगा के धमकी दे रहे थे कि मुझे उठवा लेंगे, मेरे पापा को भैया को मरवा देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे और पुलिस द्वारा फंसवा देंगे। अपनी बहन से कह दूंगा, जूली से, कि तू आत्महत्या कर ले और ना तुम लोगों को सबको खिंचवा दूंगा, मैं थाने में बंद करवा दूंगा और तुम्हारे पापा बूढ़े होके जेल से निकलेंगे। तो इस तरह की और भी धमकी दी थी, तो ना ये हमने आवेदन लगाए थे, थाने में भी लगाए, एसपी ऑफिस में भी लगाए, एफआईआर हो गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम फिर से आए एसपी ऑफिस में, ये आवेदन धमकी दी थी इनने 8 तारीख को, 8 तारीख को धमकी दी थी, उसी दिन हमने कम्प्लेन कर दी थी। का कोई रिकॉर्ड वगैरह? हाँ हाँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, सबूत है कि वो धमकी ये कह रहे थे कि वहाँ से भैया आ गए हमारे, जान उनको जान से मार रहे थे, तो वो जैसे करके वहाँ से भागे हैं बच के, तो वो यहाँ चाचा के यहाँ आ गए, वहाँ पे वो कम्प्लेन कर आए अपनी जान के लिए और फिर यहाँ पे आके चाचा के यहाँ आए, तो वो ये कह रहे थे कि तुमने उसे 2 दिन में हाजिर नहीं करा तो तुम्हें उठवा लूंगा। तो मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हो? कहाँ से धमकी दे रहे थे आपके? ये वहाँ रहते हैं मुरार बंसीपुरा, भाई का साला है और भाभी है, मुरार बंसीपुरा ग्वालियर। ये धमकी किस चीज को लेके दे रहे हैं? धमकी यही कि वो वहाँ से जान बचा के भाग गया है, तो वो कहीं पर भी चले जाए वो बचेगा नहीं, ऐसा करके मतलब ये कहते हैं कि आपके भाई को हमारे पास भेज दो। हाँ भेज दो, और 2 दिन के अंदर नहीं आया तो तुम्हें उठवा लूंगा, तुम्हारे पापा के दांत खट्टे करवा दूंगा, तुम्हारे पापा जेल से बूढ़े होके ही निकलेंगे और मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि तू आत्महत्या कर ले। आपके भाई की शादी कब हुई थी? वो तो हुई थी 2013 में। अब क्या चाहते हो? अब यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ तो हमारी मतलब सबूत भी है तो भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, वहाँ वो झूठी कंप्लेन कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलके कि यहाँ से बचाव हो जाए, तो वो उनकी झूठी कंप्लेन भी मतलब उस पर कार्रवाई हो रही है। 2 बार जमानत के लिए चले गए भैया पापा, अब कल फिर बुलाया है। तो आपके भाई रहते हैं भाभी के, आपकी भाभी के साथ वहीं वहीं रहते हैं 8 साल से, वहीं रह रहे हैं 7-8 साल से, और फिर अभी वो जब जान पे वन आई उनकी जान से मार रहे थे उन्हें, तो वो निकल के वहाँ से बच के भागे। तो उनको मारने का कारण क्या था? क्या है उनको मारने का कारण? ये था कि पापा ने ये बोल दिया था कि मैंने इसको जायजा से बेदखल कर दिया है, तो ये कह रहे थे कि ना अगर ये जायजा से बेदखल है तो बस इसका कोई हिस्सा नहीं है, और जब इसके पापा ने जायजा से बेदखल करा है तो शाइन इसके भी होंगे, तो अब इसका कोई हक नहीं, इसे जान से मार।